हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, इस समय जो इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना, अपने आसपास को बचाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय। वैसे तो सभी देश ही जो हैं कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड की जो निगाह है वो हमारी तरफ भी है। वो हमें देख रहे हैं कि हम कैसे रिस्पोंड करते हैं इस बीमारी के प्रति। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जैसे कि सरकार ने हिदायतें दी हैं कि आप घर पे रहो, वो हिदायतों को हमें मानना पड़ेगा। ये भी चलो मानने वाली बात है कि जो लोग डेली वेजर्स हैं, जिनको जो रोज़ की जो अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये। बट ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और सबसे ज़रूरी बात है, हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करना है। जो भी हमारे पास ईटेबल्स हैं, डेली नीड्स की चीज़ें हैं, बड़ी ही समझदारी के साथ हमने उसको यूज़ करना है। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी देश के, वो देश से ही संबंधित होते हैं। हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन हमें रिसोर्सेज को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, 0% वेस्टेज करनी है। आप भी अवेयर होना है, औरों को भी अवेयर करना है, और ये चैलेंज अपने ऊपर लेना है कि हमने इस वायरस को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना। अपने आप को, अपने समाज को, अपने आसपास को, अपने देश को इस नामुराद बीमारी से बचा के रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हमें अगर हो सकता है कि जितनी देर अगर हम अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को घर में रखें और किसी के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना आए, उतनी देर में शायद इसकी ना कोई मेडिसिन आ जाए जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि कारगर हो, जो टेस्टेड हो, वेरीफाइड हो, वो मेडिसिन इसकी आ जाए। तो हमें बहुत ही पेशेंटली काम करना है। इस समय हमने नॉट ओनली कि सिर्फ देश के बारे में सोचना है, हमने सारी वर्ल्ड के बारे में सोचना है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है कि किस तरह से हम इस प्लेस को, इस धरती को एक सुंदर स्थान बना सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।